अपने कन्वेंशनल फार्मिंग को एक हाईटेक फार्मिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे? क्या आप इससे एक सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल ग्रो करना चाहेंगे? या फिर घर में ही अपने परिवार के लिए स्वच्छ और क्लीन और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल सॉइललेस टेक्निक से ग्रो करना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मायसेल्फ आर्किटेक्ट रुजुता, हाइड्रोप्रीनियर एंड डायरेक्टर ऑफ एंटवर्फ इनोवेशन। हमारी टीम हाइड्रोफोनिक जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्लीन फूड ग्रो करके समाज में स्वस्थ जीवन विकसित करने में कार्यरत है। लेकिन क्या हम अकेले देश भर में परिवर्तन ला सकते हैं? नहीं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हाइड्रोग्रोवर्स बनाने के लिए हम ले आए हैं एक स्पेशल ई लर्निंग कोर्स, हाइड्रोफोनिक लॉन्च ब्लूप्रिंट, जिसमें अरुणा मोरे मैम, जो खुद पिछले 15 से ज्यादा सालों से हाइड्रोफोनिक में प्रैक्टिस कर रही हैं, जो महाराष्ट्र की पहली वुमन हाइड्रोफोनिक फार्मर है, वो आपको बताएंगी हाइड्रोफोनिक्स टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। कौन से हैं ये 5 महत्वपूर्ण मुद्दे? पहला, आज कन्वेंशनल फार्मिंग छोड़कर हाइड्रोफोनिक फार्मिंग अपनाना क्यों जरूरी हो गया है? क्या प्रॉब्लम्स हैं कन्वेंशनल फार्मिंग में और क्या फायदे हैं हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग के? दूसरा, ग्रोइंग हाइड्रोफोनिकली इज नॉट अ बिजनेस, बट बीइंग एबल टू सेल देम करेक्टली इज अ बिजनेस। तो जानिए वो कौन से 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जो आपको हाइड्रोफोनिक बिजनेस में कामयाबी देंगे। तीसरा, हाइड्रोफोनिक्स का जनरली 6 से 7 सिस्टम्स में वर्गीकरण किया जाता है और इसमें 100 से भी ज्यादा मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। तो इस कोर्स के बाद आप खुद अपने लिए करेक्ट सिस्टम और करेक्ट मीडिया चूज कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, उत्कृष्ट फसल पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। पहला, करेक्ट सीडलिंग स्टेज, दूसरा करेक्ट सिस्टम और तीसरा न्यूट्रिएंट्स। तो इस कोर्स में अरुणा मैम आपको इन सारे फैक्टर्स के बारे में जानकारी देंगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाइड्रोफोनिक्स में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें समझकर और मेंटेन करके हम हमारे फसलों की उत्पादकता 3 से 5 गुना बढ़ा सकते हैं और अपना हाइड्रोफोनिक बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अरुणा मोरे मैम आपको गाइड करेंगी। तो नीचे दिए गए टैब पर तुरंत क्लिक कीजिए और कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। मेक श्योर यू रजिस्टर सून एंड अवेल द ऑफर। ऑल द बेस्ट।